आत्मा स्वरूप शरीर से बहनों और भाइयों, और पिछले मासिक सत्संग में मेरे द्वारा अनुभूति और अनुभव के बारे में चर्चा आपने सुनी थी, और अभी उस चर्चा को और विस्तार देने की आवश्यकता है ऐसा मैं अनुभव करता हूं। तो देखूंगा आज के प्रवचन में या फिर जनवरी वाले प्रवचन में उस विषय पर और विस्तार से जानकारी दूं। आज जो चर्चा मैं करना चाहता हूं ये है, वो एक साखी बहुत प्रचलित है, आप सभी लोगों ने सुनी भी होगी, दोहराई भी होगी, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। जो पात्र बनाने वाला है अगर वो होनहार हो रहा, होनहार बिरवान के, तो उसके जो पात्र बनाए हुए होते हैं चिकने होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। होनहार का जो प्रचलित अर्थ है समाज के अंदर वो यही है कि कुशलता पूर्वक किसी काम को करने वाला व्यक्ति, उसे होनहार कहते हैं। होनहार का धार्मिक अर्थ क्या है? होनहार का धार्मिक अर्थ ये है, जो हो रहा है जो उसे जानता है वो होनहार है, ये उसका धार्मिक अर्थ है। जो हो रहा है जो उसे जानता है, जो उसके प्रति सजग है, सतर्क है, वो होनहार है। अब क्या हो रहा है? दो ही चीजें तो हो रही हैं, उत्पत्ति और विनाश। क्या हो रहा है? उत्पत्ति हो रही है, विनाश हो रहा है। कोई जन्म लेता है, मरता है, ये चल रहा है संसार में। तो जो इस उत्पत्ति और विनाश दोनों को स्वीकार करके चलता है, और इसके साथ साथ उस एक से भी जुड़ा रहता है जो उत्पत्ति और विनाश से परे है, उसको भी जो जानता है, उसे धर्म होनहार कहते हैं। क्योंकि हमारी जो ये यात्रा है वो विनाश से अविनाशी की ओर है, दुख से आनंद की ओर है, अज्ञान से ज्ञान की ओर है, धर्म की यात्रा यही है। तो होनहार का अर्थ ये है कि जो हो रहा है, जो उसके उसको बलि प्रकार जानता है, वो होनहार है। और उस उत्पत्ति और विनाश के साथ जो एक सत्ता है जिसके द्वारा ये सब हो रहा है, जिसकी देखरेख में हो रहा है, उसको भी जानता है, वो होनहार है। एक कथा आती है ऋषि उद्दालक की,
ऋषि उद्दालक के बेटे का नाम था श्वेत केतु। ऋषि उद्दालक स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने श्वेत केतु को विद्या अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम पर बनाने भेजने का निर्णय किया। ये बात उन्होंने श्वेत केतु से कही कि गुरु आश्रम पे जाकर के तुम्हें विद्या अध्ययन करना है। श्वेत केतु ने कहा, पिताजी आप स्वयं इतने बड़े विद्वान हो, वहां क्यों भेज रहे हो? ऋषि उद्दालक ने जवाब दिया कि बात यह है कि गुरु आश्रम से जो शिक्षा ग्रहण की जाती है श्रेष्ठ होती है। मैं पिता के नाते तुम्हें शिक्षा दूं और गुरु से जो शिक्षा मिले वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं वहीं तुम्हें भेजना चाहता हूं। तो श्वेत केतु को गुरु आश्रम पे भेज दिया गया। वहां कई वर्ष लगा करके श्वेत केतु ने बड़े लगन के साथ अध्ययन किया और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में वहां से निकला। गुरु ने भी बहुत प्रशंसा की कि तुम सभी शास्त्र के विद्वान हो गए हो। श्वेत केतु बहुत प्रसन्न हुआ, घर लौटा। घर लौटने के बाद पिता का चरण स्पर्श किया, ऋषि उद्दालक का। ऋषि उद्दालक ने पूछा कि क्या पढ़ के आए हो, क्या शिक्षा ग्रहण की है? श्वेत केतु ने कहा कि पिताजी जो कुछ भी पढ़ना था सब पढ़ाया, मैं सारे शास्त्र पढ़ाए, ज्योतिष पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाया, सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सबकी शिक्षा मैंने ग्रहण कर ली। ये सुनने के बाद ऋषि उद्दालक ने कहा कि क्या उसका भी ज्ञान तुमने प्राप्त कर लिया है जिसको जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रहता, जिसको देखने के बाद कुछ और देखना शेष नहीं रहता, जिसको सुनने के बाद और कुछ सुनना शेष नहीं रहता? अब इसका जवाब तो श्वेत केतु के पास नहीं था, क्योंकि शाब्दिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में ये अंतर है। शाब्दिक ज्ञान ये है कि शब्दों से तुमने जान लिया, और शायद यही कारण है कि संत मलुकदास जी ने कहा कि वेद पढ़े पढ़े पंडित भूले, और ज्ञानी कत कत ज्ञाना, और कह मलूक तेरी अद्भुत लीला सो काहू न जाना। तो केवल किताबी ज्ञान से या शास्त्र हम पढ़ लें, रट लें, या उनका शब्दार्थ भावार्थ सब जान लें, मगर इतने पर भी वो काम पूरा नहीं होता, वो साधना से ही पूरा होता है। बल्कि यूं कहना चाहिए, साधना भी जहां जाके समाप्त हो जाती है वहां से साध्य प्रारंभ होता है। तो जब ये कहा तो श्वेत केतु ने कहा कि नहीं, हम तो अभी वो नहीं जानते कि जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना शेष नहीं रहता, जिसको देखने के बाद कुछ देखना शेष नहीं रहता। तो ऋषि उद्दालक ने कहा कि जाओ फिर गुरु के पास जाओ और उनसे ये ज्ञान प्राप्त करो। तो फिर वो गया गुरु के पास, गुरु ने उसके लिए जो अपेक्षित ज्ञान था वो दिया, उनको समझाया, साधना से बताई। ये एक बड़ी अच्छी कथा है, सुना भी होगा शायद पहले। अब मैं जिस विषय पे आना चाहता हूं उपयोगी भी है, गंभीर भी है, ये निर्भर करता है कितनी कितनी अच्छी तरह आप उसे सुन लेते हैं और समझ लेते हैं। इस संसार की रचना करने वाला परमात्मा है, ऐसा तो आप सब जानते हैं। परमात्मा से इस संसार की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा के एक अंश से जीव की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा के एक अंश से जीव की उत्पत्ति हुई है। सुना होगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, अविनाशी भी है, इसका विनाश नहीं होता, जीवात्मा का विनाश नहीं होता।
चेतन भी है, जड़ और चेतन दो चीजें हैं संसार में, तो चेतन भी है, सहज भी है, सुख की राशि आनंद का भंडार भी है। तो परमात्मा के एक अंश से जीव की उत्पत्ति हुई है और परमात्मा के ही एक अंश से माया की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा के एक अंश से ही माया की उत्पत्ति हुई है। इसी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भयो गोसाई बंधे कीट मरकट की नाही। ये जीव जो है माया के बस में हो गया है और जब तक इससे छूटेगा नहीं तब तक वो परम तत्व तक पहुंच नहीं पाएगा। माया का उपयोग रामायण में कई जगह हुआ है, कई बार हुआ है। उभय बीच सियसो हैं कैसी ब्रह्म जीव विच माया जैसी। ब्रह्म और जीव के बीच जैसे माया है उसी तरीके से लक्ष्मण सीता और राम का को प्रतीक बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उभय बीच सियसो हैं कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। अब भूमि परत भा डावर पानी एक जगह जब बरसात की ऋतु को वर्णन करे भूमि परत भा डावर पानी ज्यो जीव ही माया लपटानी। यानी जैसे पानी की बूंद ऊपर से नीचे जमीन पे गिरती है और तुरंत मट्टी जो है वो अपने में उसे लपेट लेती है, वैसे जीव जैसे ही संसार में आता है तो माया उसे लपेट लेती है। इस माया से मुक्त होना है। माया के बारे में संत मलुकदास जी ने भी बहुत कुछ कहा, हमसे जन लागी री माया, कहा माया हमसे मत लगना, या माया के गुलाम गीत का जाने बंदगी। जो माया के पकड़ में है वो प्रभु की प्रार्थना क्या जान सकते हैं। माया के गुलाम गीत का जाने बंदगी साधुन संग घूम घूम घाम करत चोरन के काम द्विजन को पूजा देत गरीबन से रिंदगी माया के गुलाम गीत का जाने बंदगी। कहा तो मलूकदास छोड़ दे बुराई आस, मतलब जितनी भी बुराई आश बुराई की आशा दूसरे से करते हो ना उस सब को छोड़ दो, हटाओ उसको, माया के गुलाम गीत का जाने। माया का कई जगह उन्होंने वर्णन किया है। तो परमात्मा के एक अंश से तो जीव की उत्पत्ति हुई और परमात्मा के ही एक अंश से माया की उत्पत्ति हुई है। माया के एक अंश से माया के ही एक अंश से तीन गुणों की उत्पत्ति हुई है, सत्व रज तम। माया के एक अंश परमात्मा से एक अंश से माया की उत्पत्ति हुई और माया के एक अंश से तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है। गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से इन सब बातों को समझाया है। वो कहते हैं कि ये जो सृष्टि है चार वर्णों वाली है, चातुर्वर्ण मैया सृष्टि, और फिर कहा कि चार वर्णों वाली जो ये मेरी सृष्टि है ये कैसी है, इसमें गुण और कर्म का विभाग है, गुण और कर्म के विभाग वाली है ये सृष्टि। अब देखो गुण तीन है, सत रज और तम, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीन गुण हैं। कर्म भी तीन है, गीता में ही आता है कर्म अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म, करना है कर्म, अकर्म नहीं करना है। विकर्म, विकर्म का अर्थ किसी ने विपरीत कर्म लिया है किसी ने विशेष कर्म लिया है, भी लग गया ना तो मुझे तो विशेष कर्म ज्यादा ठीक मालूम देता है। यानी साधारण जो कर्म करते हैं वो करो, अकर्म जो नहीं करने वाला कर्म उसे भी अंत करो, और विकर्म मतलब विशेष कर्म। तो
तीन गुण भी हैं, तीन कर्म भी हैं। और ये भी कहा उसी श्लोक में कि इसका रचनाकार मैं हूं, तस्य कर्तारमपि मम, इसका करने वाला बनाने वाला मैं हूं, करता हूं मैं, मगर अर्जुन तू मुझे अकर्ता जान और अविनाशी जान। मतलब तू मुझे कर्ता होते हुए भी अकर्ता जान, करने वाला हूं। बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, गीता का अगर अध्ययन गहराई से करो तो समझ में आता है, भी आ जाएगा। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मतलब ब्रह्म से परमात्मा से के अंश एक अंश से माया की उत्पत्ति हुई, माया के एक अंश से तीन गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्व रज तम। तमोगुण है आलस, न करना, कुछ न करना। रजोगुण है करना, दौड़ धूप करना, धन अर्जित करना, सम्मान अर्जित करना, प्रतिष्ठा अर्जित करना, ये रजोगुण का काम है। सतोगुण जीवन की एक बड़ी अच्छी स्थिति है, एक द्वार है, एक सहजता है सतोगुण में, जो द्वार बनता है परमात्मा तक पहुंचने का। मतलब सतोगुण भी अंतिम बात नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद शब्द आता है त्रिगुणा अति, जो तीनों गुणों के पार हो जाए वो परमात्मा से जुड़ता है। पर ये गुण बड़े महत्वपूर्ण है, न करना, करना और उसके बाद सहज हो जाना। अब ये जब हम ध्यान की यात्रा पे जाते हैं, ध्यान की यात्रा करते हैं, तो ध्यान की यात्रा में करना है, यात्रा करनी है, और ध्यान की यात्रा में न करना भी है। न करना इसलिए है कि अगर न करना न हो तो हम स्थिर कैसे होंगे समाधि में जाकर के। मतलब रजोगुण से हम यात्रा करेंगे और तमोगुण में पहुंच करके हम स्थिर होंगे, है ना अद्भुत बात। मतलब तमोगुण भी आखिरी में यूजफुल हो जाता है, काम का हो जाता है। शुरू में ठीक है, आलस से ठीक नहीं है, न करना, रजोगुण करना है। अच्छा एक बात और बड़ी मजेदार है जो समझने जैसी है, जरा सोच के बताना। अगर न करना और करना दोनों बराबर हो जाएं तो क्या होगा? यानी दो माइनस और दो प्लस दोनों हो जाएं तो क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हो जाएगा ना। तो करने से हम यात्रा करते हैं ऊपर तक, और न करने से हम वहां स्थिर होते हैं। जब करना और न करना दोनों बराबर हो जाता है तो वो एक दूसरे को काट देते हैं, शून्य कर देते हैं, वो शून्य का नाम समाधि है। अब ये कहो ये कैसे हो? ध्यान की अभ्यान की अवैध, तो भगवान कृष्ण ने भी कहा वैराग और अभ्यास, कर करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुझान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। सिल पे भी निशान बन जाता है। तो अभ्यास और वैराग की बात बताई है, तो करना और ना करना। तो अब परमात्मा के एक अंश से माया का जन्म हुआ, माया के एक अंश से तीन गुण पैदा हुए, सत्व रज और तम। इन तीन गुणों से आकाश की उत्पत्ति हुई, एक अंश से, इन तीनों गुणों के एक अंश से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश के एक अंश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु के एक अंश से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि के एक अंश से जल की उत्पत्ति हुई, जल के एक अंश से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यह पूरा सिलसिला है। अब जब जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, इस पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में तो पहाड़ हैं, और बहुत बड़े भाग में जल है,
एक छोटा सा भाग बच जाता है जिसमें हम सब निवास करते हैं। उस छोटे से भाग के बहुत छोटे से भाग में हमारा घर है या हमारी कोठी है, जिसका हम अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं कि हम इतने बड़े आदमी हैं। मतलब तो उसको अगर गणना करो तो नील पे पहुंच जाता है, कुछ नहीं है। यानी व्यर्थ का अभिमान है, अहंकार है, जो अपने साथ लिए घूमते हैं। अगर परमात्मा से ये सारा सिलसिला देखा जाए तो एकदम नील पे पहुंच जाता है, कुछ नहीं है। तो ये जो सिलसिला है परमात्मा से लेकर के नीचे पृथ्वी तक का, तो सुना होगा तुमने कि जो ब्रह्मांड में है वही जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो ये जो मैंने बताया परमात्मा से लेके पृथ्वी तक की बात, तो यही तुम्हारे पिंड में भी, तुम्हारे शरीर के अंदर जीवन में भी मौजूद है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र पे पृथ्वी है, उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र पे जल है, उससे ऊपर मणिपुर चक्र पर अग्नि है, उससे ऊपर अनाहत चक्र पर वायु है, उससे ऊपर कंठ के पास से आकाश शुरू होता है और फिर आज्ञा चक्र पर महाआकाश प्रारंभ हो जाता है और महाआकाश के ऊपर फिर मन है, मन के ऊपर जो साहस दल कमल है वो परमात्मा है। इसको फिर उठते देखो कि साहस दल कमल से परमात्मा तुम्हारे अंदर नीचे चलता है, पहले माया को जन्म देता है, उसके एक अंश से माया का जन्म हो जाता है और एक अंश से जीव का जन्म हो जाता है। वो जीव ही आगे चल करके अहंकार में माया के बस में होके अहंकार में फंसता है। तो एक अंश से माया का जन्म हुआ, एक अंश से माया से आकाश का जन्म हुआ, आकाश से वायु का हुआ, अग्नि का हुआ, जल का हुआ, पृथ्वी का हुआ। तो ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब ध्यान की यात्रा जिसे कुंडलिनी योग भी कहते हैं, जो कुंडलिनी से प्रारंभ की जाती है, तो इस साधना में साधक नीचे से प्रारंभ करता है, पृथ्वी से अपनी यात्रा, क्योंकि सबसे स्थूल पृथ्वी है, ग्रॉस पार्ट जो है वो पृथ्वी है। ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, तो सबसे स्थूल पृथ्वी है, उससे सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, उससे सूक्ष्म वायु है, उससे सूक्ष्म आकाश है, उससे सूक्ष्म मन है, उससे सूक्ष्म माया है, उससे सूक्ष्म ब्रह्म है। अच्छा, माया के बारे में जैसे जगतगुरु शंकराचार्य, वो ब्रह्म और माया दो चीजों को ही मान के चलते हैं, वो माया को मिथ्या बताते हैं। आदि शंकराचार्य के अनुसार माया मिथ्या है। मिथ्या से उनका ये मतलब नहीं है कि माया है नहीं, माया दो शब्दों से बना हुआ है, यानी है भी और नहीं भी है, एक समय पर है और एक समय पर जो नहीं है उसको उन्होंने माया कहा। पर ऐसे भी कई गुरु हुए हैं, कई धर्म गुरु हुए हैं, जगत गुरु हुए हैं, जिन्होंने माया को भी सत्य माना, उन्होंने मिथ्या नहीं माना, ब्रह्म को भी सत्य माना, जीव को भी, संसार को, मतलब कई कई चिंतन इसके ऊपर है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ये जो सिलसिला हमने बताया, जो ब्रह्मांड का निर्माण जिस तरह हो वही आप मनुष्य के अंदर है, तो उसी यात्रा पर जब हम निकलते हैं नीचे से यात्रा करते हुए, तो जब साहस दल कमल पर पहुंचते हैं तो उस समय चेतना ब्रह्म में लय हो जाती है। वो जो लय की स्थिति है, चेतना का एक रूप हो जाना, वही परमात्मा है।